আজিতো চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰে নাম কয়, তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয়। চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন, নাজানো ৰুবতো যাব নোৱাৰো ঘূৰাই দিয়া মোক হুলচন। য'ত মোৰ দুখ নাই, য'ত সুখৰ ভোক নাই, য'ত তাৰ চকু জোৰে তাই মোক হাঁহি চাই। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने सब लोड कर लिया बाइक में, और बाइक को ऑलमोस्ट लोड भी कर लिया, और मैं भी पूरा रेडी हूँ। और आप लोगों को मैं बाइक दिखाता हूँ नीचे। सो गाइस, देख सकते हो मैं बाइक को नीचे पूरा फुल्ली लोड कर रख दिया, और अभी हैरिस भी आने वाला है, दोनों एक साथ निकलेंगे। और अभी कुछ खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे। और ऐसे भी घर से अभी चाय बना के दिया है, घर से अभी चाय सब रेडी करके दिया है रास्ते में पीने के लिए। तो चाय कहाँ मेरा यहाँ पे। सो गाइस, फिलहाल मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन आया है। ये खास करके आया है सुबह से, ये हम लोगों के साथ जाने वाला था लेकिन कुछ दिक्कत के वजह से कैंसिल हो गया। तो अभी कोई ना, फिलहाल नेक्स्ट टाइम, फिर कभी जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो हैरिस भी आ गया, फुल पैक्ड हो गया, और मैं भी पूरा फुल पैक्ड। और ये रोजी ना सुबह से मतलब बहुत हल्ला कर रहा है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, तो इसलिए रोजी चलो। हाय 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 हाय, फिर मिलेंगे। सो गाइस, अभी निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, और एक बात देखिए, ये जो रोजी है ना, ये मेरा बाइक का चाबी लेकर बैठा हुआ है, चाबी दे ही नहीं रहा, देख लो। तो रोजी चाबी दे दो, चाबी छोड़ो। तो गाइस देख सकते हो मेरे को चाबी नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी इससे जोर जबरदस्ती चाबी लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, पूरा रेडी चुका है और ऑलमोस्ट सब कंप्लीट, हैरिस भी रेडी है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं बाय बाय करने के लिए, सब उदास है। अरे मैं फिर आऊँगा ना, तो अभी फिलहाल सबको हाय बाय करते हैं और निकलते हैं। तो चलो, ये मेरे को छोड़ने जा रहा है क्योंकि हर बार जाता है, इस बार भी जा रहा है, तो चलो डन। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से, एक घंटा लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 11:30, और धूप भी भयंकर है यार, इतना गर्मी, गाइस क्या बताऊं। ओ भाई, अभी चलते हैं हनुमान मंदिर के सामने, उसको वहां पे जाके एक स्टॉप लेंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं हनुमान मंदिर के सामने रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे हम लोगों का सब बाइक लेने लाइन अप हुआ है, और मुझसे मिलने मेरा कुछ दोस्त लोग आया है, चेक करें आप। तो गाइस, फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, और ये सब मेरा दोस्त लोग है, तो चलो। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं बदरपुर से, और अभी इसको जाना है हीरो का शोरूम क्योंकि उसको कुछ काम है, तो यहाँ पे 2-3 मिनट का काम है, उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यार अंदर पूरा पसीना पसीना हो गया, और यार गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लोग आएंगे, बहुत लोग आया था यार हम लोगों से मिलने, और बहुत अच्छा लगा मिलकर सबसे। तो फिलहाल अभी इस राइड को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो बाद में मैं अपना ब्लॉग का इंट्रो डालना भूल गया, तो इंट्रो डाल ही देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इस एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। आ गया हीरो का शोरूम, और यहाँ पर देखते हैं क्या काम है। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, हैरिस का काम था वहाँ पे, सब लिपटा के निकल चुके हैं। सो गाइस, माली डोर 28 किलोमीटर, सोनापुर 60, जुआई 133 किलोमीटर, और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चोरोंगी। तो आज हम लोगों को गुवाहाटी टच करना है, मतलब अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 बजने वाले हैं अभी। सो गाइस, विशाल को अलविदा कहते हुए और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रातचौरा एंटर करने वाले हैं। तो अब यहाँ का जस्ट सीन चेक करें गाइस, क्या मस्त व्यू है भाव। तो रातचौरा में एक थोड़ा छोटा मोटा चेकिंग होगा वैक्सीनेशन का, तो वहाँ पर चेक करते हैं। तो आज का ट्रिप का ये फर्स्ट टोल गेट मिलने वाला है आगे 1 किलोमीटर बाद, नेशनल हाईवे वेलकम टू यू ढिगोरखाल टोल प्लाजा। फिलहाल ये अभी बंद है, चालू नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों बंद है गाइस, भयंकर तवाई वाला सीन होकर रखा है। दिन में इतना धूप और रात को बारिश, मतलब भयंकर बारिश। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिलहाल मालीडोर, और आज का दिन का पहला फ्यूलिंग हम लोग मालीडोर से करवा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है, फ्यूलिंग करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो पहले फ्यूलिंग करवा लेते, फुल कर देना भैया, 95.99 फुल कर दो।
सो गाइस फ्यूलिंग हो चुका है डन और फिर से हम लोग निकल पड़े। यार क्या बताऊँ यार, दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस, क्योंकि यार इतना धूप है। कल भी यार सिलचर गया था, बहुत गर्मी था यार, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। राइड का चक्कर में पूरा दिन ही ऐसे गया मेरा, और कल रात को मैंने सोया भी नहीं था, एक डेढ़ घंटा सोया था। फिलहाल सामने जाके देखते हैं, कुछ खाना उना मिलता है तो खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को स्लो स्लो ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रोड का जो हालत है ना बहुत ही ख़राब है। देखते हैं कहाँ पर कुछ खाना उना मिलता है तो खाएँगे पहले, उसके बाद पेलम पलाई करेंगे। यार कल रात से मैं इतना टेंशन में था ना, मैं जब लद्दाख गया था तब भी मैं इतना टेंशन में नहीं था इस नेपाल ट्रिप में, क्योंकि मैं नेपाल बाइक लेके फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और इसका भी ये फर्स्ट राइड है। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं राता थोड़ा, और यहाँ पे अभी कुछ चेकिंग वगैरह नहीं होता है, खाली जस्ट एक वीडियो फुटेज लिया है, एक दो मिनट का, वही कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूछा था सर कोई चेकिंग वगैरह या पास, बोलता अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ वैक्सीन किया हुआ है। मैंने बोला हाँ तो जाओ। फिलहाल निकलते हैं धीरे धीरे, अभी तो मजा आएगा ना भिड़ू। आज रुसाई देखि ना पाओ जो दियो होप ने तुम्हारे नाम कोई तुम्हारो आजरे खुजी बनु आरु आगर कथा उर भाभी रोय सारे फाले मिसा मातरे होरी दोर पोरा ना ये जीवन ना जानु रुबो जो जाबो नुवार घुरे दिया मु हुलसन जोत मुर दुख नाय जोत फुकर भूख नाय जोत तार सो गुजरे ताय। तो गाइस फिलहाल हम लोग हैं लाटुमबाई पे, और अभी टाइम हो रहा है 6:40, और फिलहाल यहाँ पे कुछ खाना उना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और हम लोगों को ना बहुत लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में इतना दोस्त लोग मिल रहा था, तो सबको हाई बाई करते करते हम लोगों का करीबन 2 बज गया था, 2 बजे निकले थे हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 7:20, 20 मिनट बाकी है। फिलहाल यहाँ पे कुछ खाना उना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट, और गुवाहाटी अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर बाकी है, तो निकलते हैं। तो गाइस खाना उना हो गया ख़त्म और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 7:20, और हैरिश का बाइक वहाँ पे है, और दो भाई हम लोगों को मिल गया इधर, ये लोग शिलोंग जाने वाले हैं, तो ये लोग ग्लैमर पे, तो चलो तो हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, ये लोग शिलोंग जाएगा। सो गाइस फिलहाल निकलते हैं इधर से और देखते हैं कितना टाइम लगता है। बहुत रात हो गया यार, फर्स्ट टाइम बहुत लेट हो गया ना आज। ओके चलो, सो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं हम लोग और अंधेरा भी हो गया, तो देखते हैं अभी, ऐसे भी तो रात हो ही गया, तो धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि रात का अंधेरा हो गया, हम लोग ज़्यादा स्पीड से भगा नहीं सकते बाइक को, तो चलो धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि आज गुवाहाटी में स्टे करना ही है। करीबन 10 बज जाएगा गुवाहाटी पहुँचते। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो फिलहाल मैं तो कल रात को ही इधर आ गया था गुवाहाटी, और आने के बाद ना पूरा टायर्ड हो गया था मैं, क्योंकि बहुत दिन बाद यार इतना लॉन्ग ट्रिप पे हम लोग निकले, तो पूरा फुल टायर्ड हो गए थे हम लोग। तो फिलहाल मैं अभी सुबह उठ चुका हूँ, और सुबह उठ के अभी मुंह धो के पूरा फ्रेश होना है अभी, और उसके बाद निकलना है सिलीगुड़ी के लिए, और इसको चेक करो गाइस। तो फिलहाल हम लोग अभी रेडी होते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और एक चीज बताता हूँ गाइस, कल रात को ना हम लोग मतलब कल रात को ना रोड पे पूरा हालत खराब हो गया था मेरा, तो इसलिए आके मैं पूरा सो गया। ये हम लोग का गलती था यार, इधर मत दिखाओ। तो कल रात को ना पूरा मतलब हालत खराब हो गया, क्योंकि असम में तो आप लोगों को पता है जिन फ्लड हुआ था, तो इसके वजह से रोड का जो हालत है ना बहुत ही खराब होकर रखा था, तो इस वजह से हम लोगों का बाइक का स्पीड मेंटेन करना पड़ा 20-30, इस वजह से लेट हो गया बहुत। फिलहाल अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं, और इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I'm not afraid of the dark.